नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित व्यास शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित व्यास शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने जो रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग है और उसके ऊपर बेस्ड जो उसके मॉडल के कुछ बिंदु हैं उनके बारे में बात कर ली थी, ठीक है। और लास्ट में अपन ने छोड़ा था कि रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियाँ निकाली थी मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने बताया कि रदरफोर्ड के अनुसार ये परमाणु इस तरह का होगा जिसमें मध्य में क्या पाया जाएगा, नाभिक। उस नाभिक में क्या होंगे, प्रोटॉन। बाकी का भाग खोखला होगा और यहाँ कक्षाओं में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे, ठीक है। तो मैक्सवेल ने कहा कि अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में क्या होगी, कमी आएगी। और जब इस तरह से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आएगी तो वो क्या होगा, एक सर्पिला कार पथ पर गति करता हुआ और अंत में जाकर किस में गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा, ठीक है। और इस तरह से परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पा रहा था रदरफोर्ड। तो उसके बाद अगले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम है नील्स बोर। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे नील्स बोर के बारे में कि नील्स बोर ने किस तरह से रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया और अपना परमाणु मॉडल पेश किया था, ठीक है। तो बात करते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो अगली हेडिंग है अपनी नील्स बोर की परिकल्पनाएं भी कहते हैं, ठीक है। और कब दिया था ये, 1913 ईस्वी में। ठीक है, अब नील्स बोर ने क्या बताया उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट, नील्स बोर ने भी कहा कि जो रदरफोर्ड बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है काफी हद तक। कि मेरे रदरफोर्ड क्या कह रहे हैं, परमाणु गोलाकार होता है, ठीक है, जिसमें मध्य में क्या पाया जाता है, नाभिक। और नाभिक में क्या पाया जाता है, धनावेशित कण प्रोटॉन पाया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने भी कहा सही है, ये इस तरह से नाभिक होगा, नाभिक के सॉरी परमाणु होगा, परमाणु के मध्य क्या होगा, नाभिक होगा। और नाभिक में क्या पाए जाएंगे, धनावेशित कण प्रोटॉन पाए जाएंगे। यहाँ तक तो सही है उन्होंने का मामला, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकेंड पॉइंट था इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अब इसमें नील्स बोर का जो पॉइंट था वो थोड़ा सा डिफरेंट है रदरफोर्ड से। नील्स बोर ने क्या कहा कि परमाणु, सही बात है, इलेक्ट्रॉन के इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, एक निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा के वृत्ताकार कोश कह दो, कक्षा कह दो, ऊर्जा स्तर कह दो होंगे, ठीक है ना। उन्होंने कहा ये बात सही है कि परमाणु में क्या होता है कि परमाणु गोलाकार संरचना है जिसके मध्य में नाभिक पाया जाता है और उस नाभिक में क्या पाया जाता है, धनावेशित कण प्रोटॉन पाया जाता है। यहां तक रदरफोर्ड की बात 100% सही है। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहां रहेंगे, इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहा ये जो बाहर कक्षा है यहां यहां घूमते रहेंगे। अब ये कक्षाएं क्या होनी चाहिए, एक तो इनकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, ठीक है, त्रिज्या निश्चित होनी चाहिए, मतलब यहां पर इस नाभिक से सभी जगह की दूरी क्या होनी चाहिए, आर होनी चाहिए। और ऊर्जा, ऊर्जा भी क्या होनी चाहिए, इनकी निश्चित होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा के वृत्ताकार ऊर्जा स्तर कोश या कक्ष होंगे, कक्षा होगी, उन्हीं में क्या होते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे। और उन्होंने कहा इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन इस निश्चित त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर जब चक्कर लगाएगा, या अगर अपन डायरेक्ट लैंग्वेज में कहें
कि इन वृत्ताकार कोश में या वृत्ताकार कक्षाओं में या इन ऊर्जा स्तरों में जब इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि उसकी ऊर्जा में कोई तरह की कमी नहीं आएगी, वो काफी समय तक या अपन कहें हमेशा के लिए इन ऊर्जा स्तरों में यूं चक्कर लगाता रह सकता है, उसकी ऊर्जा में कभी भी कोई तरह की कमी नहीं आएगी। और अगर ऊर्जा में कमी नहीं आएगी तो जो मैक्सवेल बात कह रहे थे वो सर्पिला कारपथ वाली, वो बात लागू ही नहीं होगी, क्योंकि वो बात तब लागू होगी जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आएगी। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आएगी तो अंदर से नाभिक तो खींच ही रहा है, तो नाभिक खींच रहा है तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन आकर इसमें गिर जाएगा। लेकिन जब ऊर्जा में कमी नहीं आएगी तो वो हमेशा के लिए इसी पथ पर घूमता रहेगा, क्यों वो नाभिक के पास आएगा, क्यों वो नाभिक में गिरेगा और क्यों ये मॉडल बिगड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके पीछे के कारण को जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। नील्स बोर ने ये बात क्या तो दी कि भाई यहाँ पर जब तक निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा का कोश होगा तो उसमें जब तक वो चक्कर लगाता रहेगा तब तक उसकी ऊर्जा में कोई तरह की कमी नहीं आएगी। तो इसके पीछे का जो कारण है वो मेनली है अपने फिजिक्स से सॉल्व होता है। ठीक है ना, ये जो बात है ये अपन किससे प्रूव कर सकते हैं, फिजिक्स में, यानी भौतिक विज्ञान में इसका एक सूत्र लगता है जिसके द्वारा अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज है उसमें अगर ऊर्जा खर्च हो रही है, ठीक है ना, ऊर्जा खर्च हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर कोई ना कोई कार्य किया गया। ठीक है, आपकी ऊर्जा कम हो रही है, आप मान लो कोई काम करते हुए थक रहे हो, ठीक है, तो आपकी ऊर्जा में कमी कब आएगी, जब आप कोई ना कोई कार्य करोगे, आप किसी वस्तु को उठा कर कहीं दूसरी जगह लेके जाओगे, ठीक है, या आप घर में कोई भी काम करोगे, जब कोई भी काम होता है तब क्या होता है, ऊर्जा में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई तरह की कमी नहीं आ रही। तो जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई तरह की कमी नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया जो कार्य है वो कार्य क्या है, शून्य है। ये जो इलेक्ट्रॉन जब इस वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा एक ही रूप है। ठीक है ना, ऊर्जा कार्य का ही एक रूप है, या कह सकते हैं कार्य ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, देखो ये प्रोसेस है, ये आपके परमाणु, ठीक है, इस परमाणु में ये यहां पर है नाभिक, ठीक है, और ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पर क्या है, दो तरह के बल लग रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आगे की तरफ गति कर रहा है, इस वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए आगे की तरफ गति कर रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है कि नाभिक इसे क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, नाभिक इसे अपनी तरफ भी खींच रहा है, क्योंकि ये धनावेश ये ऋणावेश, तो इसके बीच में एक आकर्षण बल लग रहा है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रहा है क्योंकि इसमें खुद में ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा के कारण ये आगे जा रहा है, और ये नाभिक के खिंचाव के कारण से क्या हो रहा है, इनके बीच में एक यहाँ पर आकर्षण बल लग रहा है। तो यहाँ क्लियर अपन देख पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कोण कितने का है, 90 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। ये चीज आपकी बुक में नहीं आई हुई है, ठीक है, ये खाली समझने के लिए देख रहे हैं अपन कि क्या कारण है कि जब इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा के वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उसकी ऊर्जा में कोई तरह की कमी नहीं आती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है और इस पर एक बल कहां लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, नाभिक के द्वारा। तो अब निकालता है पर इसका कार्य डब्लू, कार्य को क्या कहते हैं अपन, वर्क, वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं डब्लू से। तो W का जो सूत्र होता है वो होता है F गुणा S गुणा cos थीटा। ठीक है, F क्या है यहां पर, बल, S क्या है, विस्थापन, और थीटा क्या है, बल और विस्थापन के बीच का कोण, बल और विस्थापन के बीच का कोण। ठीक है, और उसका क्या लेना, अपने को कॉस लेना है। ठीक है, तो अब वो क्या रहा है, बल कहां लग रहा है, इधर की तरफ, ये नाभिक क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक बल लगा रहा है, अपनी तरफ इसको खींच रहा है, और विस्थापन किधर हो रहा है, ये आगे की तरफ, इलेक्ट्रॉन तो कहां जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसमें खुद में क्या एक एनर्जी है, वो एनर्जी उसको कहां लेकर जा रही है, आगे की तरफ लेकर जा रही है। तो जब इस तरह का प्रोसेस होता है तो क्या होता है, पहली बात उसका पथ क्या हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। ठीक है, तो एक तो इसका पथ क्या हो गया, वृत्ताकार हो गया। अब दूसरी बात करता है कि इस केस में कार्य कितना किया गया है, तो F S cos थीटा, तो F का मान लेते अपन एक बार F, ये ठीक है,
एस का मान ऐसे कि एफ बल लगाया, एस विस्थापन हुआ, थीटा कितना है अपने पास 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर अपन लिखते हैं कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो एफ एस कॉस 90 डिग्री, एफ एस को मान लो, छोड़ दो एक बार, कोई भी मान होगा, 2, 5, 10, 20, 50, 100 कोई भी मान हो, फर्क नहीं पड़ता अपने, ठीक है। तो एफ एस को तो एज इट इज रख दिया अपन, इनका मान एक बार मान लो अपन ने पुट किया नहीं, थीटा की जगह अपन ने क्या रख दिया, मान है अपने पास 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रख दिया। अब अपने को निकालना है कॉस 90 डिग्री का मान, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री का मान जानते अपन कितना होता है, जीरो, कितना होता है जीरो। जीरो को जब किसी भी संख्या से गुणा करवाते हैं तो क्या आता है, वापस जीरो ही आता है। तो इस केस में किया गया कार्य क्या है, जीरो। तो जब किया गया कार्य बराबर क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब यहां इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई कमी नहीं हुई है, कोई तरह की कमी नहीं हुई है। आई बात समझ में, क्योंकि जब उसने कोई कार्य ही नहीं किया इस वृत्ताकार पथ पर गति करने में इलेक्ट्रॉन ने, तो जब कार्य नहीं किया तो ऊर्जा किस बात की खर्च होगी, ऊर्जा तभी खर्च होती है जब कोई ना कोई कार्य किया जाता है। जब आप कोई कार्य करोगे तो थकोगे, अगर आप आराम से रेस्ट कर रहे हो तो फिर थकने का सवाल ही नहीं, ठीक है ना। तो कार्य जब भी जीरो होगा तो ऊर्जा में क्या होगा, कोई तरह की कमी नहीं आएगी। तो इसी कारण नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए क्या होगा, इन वृत्ताकार कक्षों में या कक्षाओं में या ऊर्जा स्तरों में हमेशा के लिए घूमता रहेगा और इसकी ऊर्जा में कमी नहीं आएगी, और जब तक ऊर्जा में कमी नहीं आएगी तब तक ये जाकर नाभिक के अंदर नहीं गिरेगा, और नाभिक के अंदर नहीं गिरेगा तो फिर मामला सॉर्ट आउट है, ठीक है। तो फिर परमाणु का मॉडल किस तरह का हो जाएगा, ये परमाणु गोलाकार, बीच में नाभिक, और इलेक्ट्रॉन जो है इन वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगा रहे हैं, जिनकी क्या है, जिनकी त्रिज्या निश्चित और ऊर्जा निश्चित है। तो निश्चित ऊर्जा और निश्चित त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और हमेशा लगाते रह सकते हैं, इनकी ऊर्जा में कोई तरह की कमी नहीं आएगी। तो इस तरह से इन्होंने समझाया कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर हमेशा के लिए घूमता रहेगा और उसमें कोई तरह की कमी नहीं आएगी। एक बार वापस देख लेते हैं, शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये मामला क्लियर हो जाएगा। वैसे बुक में तो डायरेक्टली लाइन आई हुई है, ठीक है ना, वहां पर आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करना, बोर्ड में आपको कभी नहीं पूछेगा कि ये चीज प्रूव करके बताओ कि भाई क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन जब इस वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो नील्स बोर के अनुसार उसकी ऊर्जा में कमी नहीं आती है, ठीक है ना। तो ये चीज खाली अपने समझने के लिए है, तो एक बार वापस देख लेते हैं। बात क्या चल रही थी कि रदरफोर्ड ने कहा था कि क्या होता है कि नाभिक होता है परमाणु में और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर कक्षाओं में घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। फिर मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने कहा इस तरह से कैसे घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर घूमते रहेंगे तो ऊर्जा कम होगी, ऊर्जा कम होगी तो उनकी ऊर्जा कम हो रही है अंदर, नाभिक की ऊर्जा तो उतनी की उतनी है। पहले क्या मामला था कि भाई पहले मामला था जितनी नाभिक के पास ऊर्जा है पॉजिटिव ऊर्जा, उतनी क्या है नेगेटिव ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के पास है, तो दोनों बराबर है, तो बराबर है तब तक तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल रह जाएगा। अब वो कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यानी ये जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है जबकि नाभिक क्या है आराम से बैठा है, मतलब प्रोटॉन आराम से बैठे हैं, तो प्रोटॉन रेस्ट कर रहा है तो उनकी तो ऊर्जा कम होगी नहीं, जब इलेक्ट्रॉन बेचारे घूम रहे हैं तो घूमेगा तो थकेगा, तो इसकी ऊर्जा कम होगी, इसकी ऊर्जा उतनी की उतनी, तो ये इसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, और अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा तो क्या होगा, इसका पथ क्या होगा, इस तरह से सर्पिलाकार हो जाएगा और आखिर में जाकर किसमें गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन बीच में नाभिक होता है उस नाभिक में जाकर गिर जाएगा, ठीक है। तो ये कमी किसने निकाली थी, मैक्सवेल ने। अब इस कमी को दूर करने के लिए अगला मॉडल आया था जिसे अपन कहते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर की परिकल्पना है। तो नील्स बोर ने कहा कि भाई ठीक है परमाणु गोलाकार है, बीच में नाभिक है, नाभिक में सारा धनावेश एक जगह पर केंद्रित है, बाकी का परमाणु खोखला, ये बात एकदम सही है। फिर सेकंड बात आई उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहा बिल्कुल घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, 100% सही बात है कि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं बाहर की कक्षाओं में, लेकिन उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं वो कक्षाएं उन कक्षाओं की ऊर्जा और उनकी त्रिज्या दोनों क्या होती है, निश्चित होती है। तो निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा के वृत्ताकार कक्षों में या वृत्ताकार कोश में या वृत्ताकार ऊर्जा स्तरों में ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा, और जब तक वहां घूमता रहेगा तब तक उसकी ऊर्जा में कोई तरह की कमी नहीं आएगी, ठीक है। तो इस बात को प्रूफ कैसे कर सकते हैं, इस बात को इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इस वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है,
ये बीच में नाभिक है। अब इसमें क्या क्या घटनाएं हो रही है वो देख लेते हैं। नाभिक क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए एक बल लगा रहा है कि भाई तू मेरे पास आ जा। ये धनावेश, ये ऋणावेश, ये इसको अपनी तरफ बुला रहा है कि तू अंदर आ जा मेरे पास। ठीक है, तो एक तो ये बल लग गया इसकी तरफ। इलेक्ट्रॉन खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी है, ठीक है ना, एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन क्या है, गति कर रहा है आगे की तरफ। कि सर आगे की तरफ गति कर रहा है तो ये पथ वृत्ताकार कैसे हुआ? तो इसमें क्या सिस्टम होता है कि जब जैसे आपने एक धागा लिया, ठीक है ना, उसके एक सिरे पर आपने क्या कर दिया, कोई पत्थर बांध दिया। अब आप उसको घुमाओगे तो उसका पथ क्या होगा, वृत्ताकार होगा, क्योंकि वो एक जगह पर क्या है, फिक्स किया हुआ। एक सेंटर उसका क्या किया, मतलब एक पोर्शन अपने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। तो उसी तरह से क्या है, यहां पर केंद्र में क्या है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या आगे की तरफ जाना चाह रहा है, तो आगे की तरफ जाना भी चाहेगा तो पता इसका कैसा होगा, वृत्ताकार, क्योंकि एक सिरा यहां पर अपने फिक्स कर दिया। एक सिरा यहां पर फिक्स करने का मतलब क्या है, ये नाभिक इसको हमेशा अपनी तरफ खींच रहा है, प्रकार वाला सिस्टम। एक पॉइंट यहां फिक्स कर दिया, अब आप उसको घुमाओगे, आप तो आगे की तरफ लेके जा रहे हो, लेकिन वो आगे की जगह कैसे जाएगा, वृत्ताकार जाएगा। आप ये थोड़ी है, आप अपने हाथ को गोल थोड़े घुमा रहे हो, आप तो प्रकार को आगे ले जा रहे हो ना, तो आप प्रकार को आगे ले जा रहे हो, लेकिन प्रकार घूम के सर वृत्ताकार पथ पर, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट यहां पर क्या है, फिक्स किया हुआ। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है कि नाभिक क्या इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो इसका पथ क्या हो जाएगा, वृत्ताकार। तो इलेक्ट्रॉन तो जाना चाह रहा था इधर, नाभिक इसको खींचना चाह रहा था इधर, तो दोनों के बीच में कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये तो क्या इसके द्वारा लगाया गया बल, और ये क्या इलेक्ट्रॉन का विस्थापन इस दिशा में, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, अब कार्य निकाल कर देख लेते हैं। ये पढ़ोगे आप लोग इसमें 11th chapter में, ठीक है ना, कार्य ऊर्जा शक्ति 11th पाठ में आएगा, बल की परिभाषाएं, ये बल के सूत्र जितने भी है सारे। ठीक है, तो वहां पर एक सूत्र आता है बल का, F बराबर Fs cos थीटा। ठीक है, F यानी बल, सॉरी कार्य का सूत्र आता है Fs cos थीटा, F बराबर बल हो गया, S बराबर विस्थापन हो गया, और दोनों के बीच का थीटा, cos of थीटा। ठीक है, तो F का मान अपने पास मान नहीं है, कोई बात नहीं, F का ऐसे रख लो, S का मान नहीं है, S का ऐसे रख लो, थीटा का मान है कितना, 90 डिग्री, तो यहां पर रख दिया cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। Fs into 0, 0 को किसी संख्या से गुणा कराओगे हमेशा 0 ही आएगा, तो W बराबर क्या गया, 0। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब यहां पर घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन ने कोई तरह का कार्य नहीं किया, जब कोई तरह का काम नहीं किया है, कोई तरह का कार्य नहीं किया, तो इसका मतलब उसकी ऊर्जा में कोई तरह की कमी नहीं आएगी, और जब कमी नहीं आएगी तो पथ सर्पिलाकार होने का सवाल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमेशा इस पथ पर, वृत्ताकार पथ पर घूमेगा, ना कि सर्पिलाकार होकर नाभिक के अंदर जाकर गिरेगा। अभी बात समझ में, तो इस तरह से ये कमी किसने दूर की थी, नील्स बोर ने, और नील्स बोर की भी कुछ बातें हैं अभी, नील्स बोर का मॉडल भी पूरा नहीं हुआ, तो वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नील्स बोर ने और क्या क्या बताया था अपने मॉडल में। ठीक है, काफी लंबा है तो अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे। थैंक यू।